हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के एंटी ब्लॉग में अनटोल्ड स्टोरीज पे। आप भी कहोगे ना ब्लॉग की शुरुआत की जिनसे, हाँ जी ऐसा कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ इस वक्त आपके साथ, बल्कि मैं ऑलरेडी रेसिपी वाला वीडियो शूट कर चुकी हूँ और देखती हूँ कब एडिट हो पाएगा, कब मैं उसे अपलोड करूंगी। हाँ जी आज मन हो रहा था कुछ चटपटा सा खाने का। हाँ जी कई बार आप जब लो फील करते हो ना, एटलीस्ट फॉर मी कुकिंग वर्क्स एज एन थेरेपी। तो ऐसे तो अब तक जो भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है वो इंस्टेंट वाली है, बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना अपनी लाइन से हटके भी काम कर लेना चाहिए। तो मैं दिखाती हूँ लुक सब्जी का। आज मैंने बनाई है बहुत ही चटपटी मसालेदार कटहल की सब्जी। ये देखिए लग रही है ना यम्मी। हाँ जी अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसे बनाने में तो डिटेल्ड रेसिपी वाला ब्लॉग मैं जब भी अपलोड करती हूँ, हो सकता है कि इसी ब्लॉग के साथ मैं अपलोड कर दूं, तो उसका लिंक आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी जबकि मैं ऑलरेडी जो ब्लॉग है वो शूट कर चुकी हूँ रेसिपी वाला, तो मैं किचन में क्या कर रही थी। हाँ जी कहते हैं ना आई कर इस वक्त वैसे ऑलमोस्ट 1:30 ही बज रहा होगा, टाइम मैंने चेक नहीं किया। तो मैं बनाने आई थी अपने लिए मतलब सब्जी तो बन ही चुकी है, जस्ट आई हैव टू रोल चपातीस फॉर मी। तो ना अचानक मेरी नजर पड़ गई इस पर। हाँ जी ये है सिंपल सा एक इडली मेकर, और जैसे कि आपको देख के अंदाजा लग रहा होगा ये बहुत पुराना है। हाँ जी ये बहुत पुराना है, मुझे अगर याद है तो आई वॉज इन फर्स्ट और सेकंड क्लास। हाँ जी ये ज़्यादा नहीं तो 35 ईयर्स पुराना है और ये मेरी मदर की निशानी है मेरे पास। हाँ जी कहते हैं ना जो पुरानी चीजें होती हैं ना वो पुरानी होने के बाद शायद बेशकीमती हो जाती हैं, अनमोल हो जाती हैं। तो पिछले काफी टाइम से ना मुझे इडली मेकर नया लेना था, लेकिन मेरा इसके साथ कनेक्शन ऐसा था कि मैं ले नहीं पा रही थी। अब आप कहोगे कि आपकी मदर का है तो ये आपके पास कैसे आया। मेरे घर पे ना इन लॉज फैमिली में साउथ इंडियन फूड बहुत कुक होता है। उसका रीजन ये है कि जो मेरे फादर इन लॉ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, तो इन्होंने काफी टाइम है वो जो बैंगलोर में स्पेंड किया है। यहाँ तक कि मेरे जो हस्बैंड है इनकी बर्थ प्लेस भी बैंगलोर ही है। तो मेरे घर पे साउथ इंडियन खाना शुरू से ही, मतलब मेरे मदर इन लॉ भी काफी अच्छा बना लेते हैं, इडली डोसा रसम कर्ड राइस ये सारा कुछ, तो ये काफी अच्छा बनाते हैं। तो और मेरे पेरेंट्स साइड पे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम लोग बॉम्बे में रहते थे तो इस तरीके का खाना वहां पे भी बनता था। तो इसकी तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि ये मेरे पेरेंट्स के घर कैसे है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, और फिलहाल ये बता दूं कि मेरे पास कैसे आया। तो मदर इन लॉ के पास ना एक वो पुराना प्रेस्टिज का कुकर था जिसमें इडली स्टैंड होता है और उसी में बना लेते थे, सब कुछ बन जाता था। तो मुझे याद है काफी साल पहले, तकरीबन 11-12 साल पहले ना, वो इडली उसका ना कुकर का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट है ना वो खराब हो गया, लेकिन वो प्रेशर कुकर काफी ज्यादा पुराना था, वो भी 30-35 ईयर्स पुराना था, तो वो रिपेयर नहीं हो पाया। तब ये वाला जो इडली मेकर है ये मेरी मदर के पास था, क्योंकि ऐसे हम सिस्टर्स की शादी हो चुकी थी, ब्रदर अब्रॉड जा चुका था, मम्मा अकेले थे, तो मम्मा ने कहा मैं कौन सा यूज करती हूँ आप ये यूज कर दो। बस तब से ये मेरे पास ही है, लेकिन अब काफी टाइम से ये भी दिक्कत दे रहा था क्योंकि ना यूज होते होते ना इसका जो नीचे है आपको ऐसे तो शायद नजर नहीं आएगा, इसमें ना हल्के हल्के होल हो चुके हैं। और कई बार तो ना मतलब जब मैंने लास्ट वीक शायद इडलियां बनाई हैं तो उनमें से ना पानी भी गिरना शुरू हो गया। तो दैट वाज हार्ड टाइम फॉर मी कि अब मैं इससे अपना कहती हूँ कि मोह तो नहीं तोड़ूंगी, रहेगा तो ये मेरे पास ही हमेशा। तो मैंने अब इसको आज रिटायरमेंट दे रही हूँ और इसकी जगह पे मैंने लिया है ये वाला। हाँ जी ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। मैंने आपको शायद बताया भी कि मैंने ना पहले मार्केट गई हूँ 2-4 दिन तो नहीं मिला, तो अब मैंने ये लिया है। ये मुझे इस तरीके का ही चाहिए था जिसमें के डोसा प्लेट्स भी हों और इडली स्टैंड भी हो, तो ये फाइनली मेरे पास ऑनलाइन मंगाया कल पहुंच चुका था। तो आज इसका करेंगे हम रिटायरमेंट और इसकी करेंगे किचन में एंट्री। तो यही रखने आई थी किचन में, मतलब हाथ में ये भी था और अपने लिए फुलके भी बनाने थे, तो मैंने कहा चलो आपको साथ ये भी शेयर कर लेते हैं, व्लॉग भी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि कल तो नहीं हो पाया क्योंकि मौसम भी बहुत ज्यादा खराब था। एंड आई डोंट नो व्हाई यस्टरडे माय बॉडी वाज नॉट एट ऑल अलाउइंग मी फॉर एनीथिंग, बस जरूरी काम था जो वही किया।
तो अब ये नहीं पता। बेटा कह रहा इसमें ना एक पात्रा प्लेट भी है, जो तो गुजराती खाना पसंद करते हैं उन्हें तो पता होगा, तो उसने शायद ये फर्स्ट टाइम, तो उसको है कि मम्मा मैं मुझे है कि चलो आज ढोकला बना लेते हैं इवनिंग में, लेकिन वो है कि नहीं मम्मा पात्रा प्लेट है, पात्रा कैसे बनता है, उसका टेस्ट कैसा होता है। तो अब ये नहीं पता कि जो रेसिपी उसका भी ब्लॉग शूट करके आप तक जरूर पहुंच जाऊंगी, अब ये नहीं पता कि शाम को मैं इसमें ढोकला बनाऊंगी कि पात्रा बनाऊंगी, और जो भी बनाऊंगी वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप बने रहेंगे ब्लॉग में एंड तक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप। और अब मैं करती हूँ लंच, लंच करने के बाद मिलती हूँ आपसे, और फिर देखते हैं कि हम क्या करते हैं, क्योंकि किचन में कोई नई चीज़ आई है ये नहीं पता कि सिर्फ चटपटा ही बनेगा कि कुछ मीठा भी बनेगा, बट हाँ कुछ डिफरेंट सा तो ज़रूर होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स बजे हैं शाम के 5:30। हाँ जी आपसे बात नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ी सी कुछ दिक्कत हो गई थी, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी। आज मैं भी थोड़ा लेट हूँ, 5:30 पौने छह का टाइम हो चुका है। थोड़ा सा मुझे लाइट ने लेट कर दिया। हाँ जी लाइट है नहीं, जो लाइट चल रही है वो इन्वर्टर पे है, और यही रीजन है कि आपको शायद वीडियो की क्लैरिटी में भी थोड़ा कुछ ना फर्क लग रहा हो। तो मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का ढोकला। हाँ जी ढोकला तो 2-3 प्रकार से बन जाता है, लेकिन एज सच मैंने कहा कि बेटी का फेवरेट है, तो ये बहुत ही सिंपल, मतलब कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं कुछ नहीं, बहुत इजीली बन जाता है, तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। एज सच मैं इसकी कोई अलग से रेसिपी नहीं शूट कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द लाइटिंग प्रॉब्लम, क्योंकि गैस वाली तरफ पे तो फोकस हो ही नहीं पाएगा कैमरे का, तो फिर उस तरीके का कुछ काम करने का फायदा नहीं है। तो मैंने कहा चलिए जितना भी इजीली इसको मैं आप तक पहुंचा सकती हूँ थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लूँ, और इसको जो भी इसका बेसिक मिक्सचर अब हम बनाएंगे उसको बनाने के बाद ना इसे हमें तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देना होता है, तो मिक्सचर भी बन जाएगा, फिर मैं अपने पेट्स का खाना भी बना लूँगी और साथ ही साथ आपसे भी बात होती रहेगी। तो उसके लिए मुझे चाहिए 1 कटोरी सूजी, और जिस साइज की कटोरी में आपने सूजी ली है सेम उतनी ही क्वांटिटी में आपने लेना है दही। हाँ जी बिल्कुल दही लेना है, और एक बात का ध्यान रखें जो दही आप लें वो खट्टा हो, ठीक है। तो अब है ये बाउल, तो मैं थोड़ा कैमरे का फोकस चेंज करती हूँ, फिर हम शुरू करते हैं इसको मिक्स करना। हाँ जी ये है बाउल जी, इसमें मैंने डाल दिया है सूजी, और मैं एक स्पून ले लूं इसे मिक्स करने के लिए, और ये है सेम दही। दही मैंने खट्टा लिया है, और आपको भी खट्टा ही लेना है दही, जितना ज्यादा दही खट्टा होगा उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और दूसरा ये है कि अगर आपका दही खट्टा होगा तो इसमें फर्मेंटेशन बड़ी इजीली हो जाएगी, आपको कोई भी फर्मेंटिंग एजेंट जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, इनो हो गया, ये सब नहीं डालना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि ये मेरी बेटी की बहुत ही फेवरेट डिश है, तो जो चीज़ उसको देनी होती है उसमें मैं कुछ भी इस तरीके का डालना अवॉइड करती हूँ, ठीक है जी। ये हो गया, अब मैंने लिया है एक छोटा ग्रेटर, और ये है मेरे पास लहसुन की 3 कलियां और 1 अदरक, और मैं इसको ना इसमें से ग्रेट कर दूंगी। ठीक है जी, लहसुन भी मैंने इसमें, गार्लिक भी ग्रेट कर रही हूँ। ये जो बड़े बड़े पीसेस रह रहे हैं ना चंक्स, उनको मैं साइड पे रखती जा रही हूँ, वो सब्जी में यूज हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये ऐसे मुंह में आएंगे ना तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, तो जो चीज बच्चों के लिए बनती है तो उसमें आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए लहसुन अदरक इसमें मैं डाल चुकी हूँ, ठीक है जी। अब इसमें हमने डालना है 2 छोटे चम्मच ऑयल और स्वाद अनुसार नमक। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी क्योंकि आप सब जानते हैं कि ढोकले को ऊपर से हम थोड़ा सा तड़का देते हैं, टेम्परिंग करते हैं, तो मैं ग्रीन चिली उसमें डालूंगी, मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डालूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी रिफाइंड ऑयल, ये मैं ले रही हूं 2 चम्मच ऑयल। हाँ जी 2 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक,
टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल लें नमक। हम रॉक सॉल्ट यूज करते हैं ना, तो रॉक सॉल्ट थोड़ा क्वांटिटी में ज्यादा ही डालना पड़ता है। और इसको आप अच्छी तरीके से चला लें। ठीक है जी, ये देखिए ये मिक्सचर अब हमारा रेडी है। अब हम इसको हाफ एन आवर के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर आधे घंटे के बाद हम देखेंगे कि इसका आगे हमने कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, हमने इस बैटर को रेस्ट दिए हुए तकरीबन हाफ एन आवर हो चुका है। अब हम इसकी देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है और इसमें हमने कितना पानी ऐड करना है। क्योंकि जो ढोकले का बैटर है ना, इसकी कंसिस्टेंसी हमें तकरीबन जैसे हमारा इडली बैटर होता है ना, थोड़ी सी फ्लोई चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो भी इसमें हमने दही ऐड किया था वो अच्छी तरीके से ना सारे कर्ड को एब्जॉर्ब कर चुका है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ना कुछ इस तरीके से डो की तरह हो चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ज्यादा पानी इकट्ठा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, बिकॉज हमने इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इडली बैटर जैसे ही रखनी है। इसको अच्छी तरीके से ना अगर एक कटोरी सूजी में आपने एक कटोरी दही डाला है तो जहां तक मेरा मेजरमेंट है उसमें 1/4 कटोरी पानी चला जाएगा। हाँ जी, बाकी डिपेंड करता है कि जो आपने सूजी ली है वो बारीक वाली है या मोटी है। मैंने तो बारीक वाली सूजी ली थी, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ये देखिए हमें ना ये वाली कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है जी। ये देखिए मैं इसमें कोई भी बेकिंग सोडा या इनो वगैरह नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने दही लिया था वो काफी खट्टा था और मुझे इसी से ही पता चल रहा है कि मेरी जो सूजी और दही का जो मिक्स है वो अच्छी तरीके से फर्मेंट हो चुका है आधे घंटे में ही। क्योंकि जो दही मैंने इसमें ऐड किया है वो मैंने सुबह तकरीबन 8 बजे ही ना फ्रिज में से निकाल के बाहर रख दिया था, तो आज धूप भी काफी अच्छी थी तो वो दही काफी खट्टा हो गया था जो मैंने इसमें ऐड किया है। तो अब हम करते हैं शुरू इसका नेक्स्ट प्रोसेस। ये ढोकला मेकर वाली कढ़ाई है, इसमें मैंने तकरीबन नीचे से अगर हम उंगली डिप करके देखेंगे ना तो 1 से 1.5 इंच मैंने इसमें पानी ले लिया है। अब मैं कर दूंगी गैस ऑन ताकि ये पानी गर्म हो जाए। ये है हमारी दो ढोकला प्लेट्स, ये आपको किसी भी ना ढोकला मेकर के साथ मिल जाती है। इनको मैंने वॉश कर लिया था, अब मैं इनको पोंछ ले रही हूँ। ये है एक, ये है दूसरी प्लेट हमारी। अब हमने करना है क्या, हम इसमें ना नियरली 3-4 ड्रॉप्स रिफाइंड ऑयल के डाल के हम इनकी ग्रीसिंग कर लेंगे दोनों प्लेट्स की। देखिए जी इतना मैंने इसमें और इतना ही ऑयल में दूसरी प्लेट में डाल रही हूँ। और इसको इस तरीके से ना आप साफ हाथ की मदद से इस तरीके से पूरी प्लेट में चारों ओर आपने लगा लेना है। ये देखिए एक हो गया, और इसमें भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया हुआ है, मैं इसको भी ऐसे लगा लूंगी। यहाँ पे पानी भी हमारा गर्म हो रहा है तो इसमें अब हम डालेंगे बैटर, ठीक है जी। इसमें हम बैटर डालेंगे, ये देखिए इसमें हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे पहले हम सारे बैटर को। ये देखिए थोड़ी सी ना लाइट की प्रॉब्लम है तो आप प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए इसमें इस तरीके से मैं डाल रही हूँ बैटर, आधा ही जाएगा क्योंकि मैं भी इस वाले में फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो आई थिंक हाफ इज सफिशिएंट, क्योंकि इसमें थोड़ा फिर ये फूल भी जाता है। और इसको हमने इस तरीके से इवनली स्प्रेड कर लेना है। आप बस एक चीज देखें, जो आपकी ये थाली है ना, जितनी इसकी डेप्थ है आपने उससे हाफ ही इसको फिल करना है, पूरा फिल नहीं करना, क्योंकि ये ना थोड़ा सा स्पॉन्जी होता है तो
हाफ ही हमने इसको करना है। ये देखिए मैंने करके इस एक प्लेट को मैंने इसमें प्लेस कर दिया है। अब ठीक इसी तरीके से ये दूसरी प्लेट है, मैं इसमें भी डाल लूंगी, इसमें मेरा सारा बैटर आ जाएगा। और लेट मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा तकरीबन ठीक है कि एक कटोरी में मेरे दोनों जो प्लेट्स हैं उनके लिए इनफ बैटर हो गया है। ज़्यादा नहीं बनाना क्योंकि शाम का टाइम है, कोई ज़्यादा तो खाएगा नहीं। तो ये देखिए इसको भी मैंने ऐसे इवनली स्प्रेड कर लिया है। हाँ बिल्कुल ठीक है ये। और इसमें ना थोड़ा सा उससे कम बचा है, तो अगर आप कभी भी बनाते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें, जिस प्लेट में बैटर आपका कम है वो वाली प्लेट आप ऊपर रखें और जिसमें बैटर ज्यादा है वो नीचे रखें, क्योंकि नीचे वाले प्लेट को स्टैंड को ना हमेशा स्टीम ज्यादा मिलती है तो वो अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। और इसको भी मैं इसके ऊपर प्लेस करके मैं ये ढक्कन लगा दूंगी। अब मैं इसको इसी तरीके से, फिलहाल तो गैस की जो फ्लेम है वो हाई है, लेकिन जब एक बार बॉईल यानी कि इसमें स्टीम बन जाएगी तो मैं इसको लो मीडियम पे एटलीस्ट 10 मिनट्स कुक करूंगी। और 10 मिनट्स कुक करने के बाद हम लोग इसको 10 से 15 मिनट के लिए आइडल छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से जो हमारा ढोकला है वो स्पॉन्जी हो जाए। ठीक है जी फ्रेंड्स, ढोकला हमारा तकरीबन रेडी है, मैंने ऐसे जल्दी से चेक नहीं किया है। तो अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं तड़का जो हमने ढोकले को देना है। इस छोटे से ना पैन में मैंने तकरीबन एक चम्मच डाला है ऑयल, और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे हींग, राई, और ये मैंने ली है तकरीबन 4 हरी मिर्चें हैं और कड़ी पत्ता है, और ये है लेमन जूस, हाँ जी तकरीबन 1 से 1.5 नींबू का रस है, क्योंकि जो नींबू मैंने लिया है वो काफी बड़ा था, बाकी डिपेंड करता है कि आपके पास नींबू किस साइज का है। फिर ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम में कर देती हूँ बिल्कुल लो। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 पिंच हींग, और मैं थोड़ी सी डालूंगी राई। हाँ जी, जब ये अच्छी तरीके से ये दोनों चीजें क्रैकल हो जाएंगी तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये कड़ी पत्ता और हरी मिर्च, इसको हम थोड़ा अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे। हरी मिर्च और कड़ी पत्ता हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ ये लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। हाँ जी, पानी डालने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी तकरीबन 1 चम्मच चीनी। हाँ जी 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे चीनी। अब हम इसको बॉईल आने तक ना हल्का सा मतलब इसको कुक होने देंगे एक उबाल आने तक, उससे ना जो ये ग्रीन चिलीज है इनका टेस्ट भी बहुत खट्टा मीठा सा हो जाता है, क्योंकि एज सच मैंने ढोकले में कोई लाल मिर्च ऐड नहीं की है। तो आपकी फैमिली में कोई अगर थोड़ा स्पाइसी पसंद करता है तो इस तरीके से वो साथ में इन ग्रीन चिलीज की बाइट ले सकता है, यकीन मानिए बहुत यम्मी लगता है ये। तो इसको हम एक बॉईल आने तक गैस पे ना कुक कर लेते हैं। ये देखिए पानी हमारा जो है वो बॉईल हो चुका है, इसको मैं सिम पे कर देती हूँ, 1 मिनट तक ऐसे ही कुक होता रहेगा। और अब हम चलते हैं ढोकले की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है हमारी कढ़ाई, अब हम इसका ओपन करेंगे। हाँ जी देखिए ढोकला हमारा बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है, हम इसको इस तरीके से निकाल के बाहर रख लेते हैं दोनों प्लेट्स को ही। ठीक है जी, हम कढ़ाई हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। वैसे तो ये दिखने में ही लग रहा है कि जो ढोकला है बहुत अच्छा स्पॉन्जी बना है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इस तरीके से कोई भी टूथपिक या माचिस की तीली लेके
ऐसे करेंगे और देखिए जब वो बिल्कुल क्लीन आएगी तो इसका मतलब है कि आपका ढोकला अच्छी तरीके से बन चुका है। अब हम लेंगे या तो आप पिज्जा कटर ले लीजिए या आप कोई भी नाइफ ले लीजिए जिससे कि हम इसके क्यूब्स बना लें। एज सच इसकी डेप्थ कुछ ज्यादा नहीं है तो मैं पिज्जा कटर ले रही हूं। इसी तरीके से मैं इसके भी क्यूब्स बना लूंगी। ठीक है जी, अब क्यूब्स बन चुके हैं। अब लेंगे हम तड़का। हाँ जी, ये है वो तड़का जो हमने लिया था। इसको एक स्पून की हेल्प से आप इस तरीके से इस पे फैला देंगे। ठीक है जी, ये देखिए ढोकला बनके तैयार है। अब मैं एक पीस आपके सामने निकालूंगी, हम उसे चेक करेंगे। ये मैं ले रही हूँ नाइफ और इससे हम पहले ना इसके ऐसे एजेस है जो वो फ्री कर लेते हैं। बिल्कुल जी, और इस तरीके से वाओ, ये देखिए ढोसा बिल्कुल अच्छे से जाली बनी है ढोकले की। ये देखिए बहुत अच्छा स्पॉन्जी बना है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी एक इजी सी रवा ढोकला की रेसिपी। तो अगर आपके पास इस तरीके की कढ़ाही कह लीजिए, आप ये ढोकला मेकर के नहीं है तो उसमें आप बहुत इजी तरीका, मैं भी उसी तरीके से अब तक बनाती आ रही हूँ। कोई भी मतलब खुली कढ़ाही ले लीजिए या पतीला ले लीजिए, नीचे एक कटोरी रख के छोटी थाली में बैटर डाल के आप उसको ढक के स्टीम कर लें और ढक्कन पे कोई हैवी चीज रख दें और आपका ढोकला बनके तैयार हो जाएगा। तो ये बनके तैयार है, अब मैं दे देती हूँ बच्चों को और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, बज रहे हैं शाम के 8, तो काम सारा हो चुका है। आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ, तकरीबन जो भी मेरा शेड्यूल है उससे आई थिंक आधा पौना घंटा मैं लेट चल रही हूँ। एक्चुअली दोपहर में ना सब्जी तो बड़े शौक से बनाई मैंने कटहल की, क्योंकि ना मन हो रहा था कुछ चटपटा सा खाने का, लेकिन यकीन मानिए बिल्कुल भी जिस स्वाद के लिए वो खाना मैंने आज प्रिपेयर किया था, ऐसा मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा मसालेदार खाना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वंस अ व्हाइल थोड़ा सा ना खाया जाएगा आज। लेकिन आज खाना दोपहर का मेरा बहुत ख़राब हुआ। एक्चुअली जो मेरा बड़े वाला लैब्रा है, हमारा टेडी बियर जिसको आप मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में देख चुके हो, उसको ना थोड़ी कार्डियक प्रॉब्लम है और अब से नहीं तकरीबन 3-4 साल से है। तो दोपहर में जैसे ही मैंने जब आपसे बात हुई है मेरी, तब 2:45 बज चुके थे। उसके बाद फिर अपने खाना मतलब फुलके वगैरह बनाए, सैलड वगैरह काटा, तो 2:15 का टाइम हो गया, क्योंकि 2 बजे तक तो बेटे की ऑनलाइन क्लास ही चल रही होती है। तो जब खाना खाने बैठी तो एकदम से उसको घबराहट सी हुई, थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब हुई, यानी कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, हमारा दिमाग उसने ज़्यादा ख़राब कर दिया। तो दोपहर में वो जैसा कहते हैं ना, प्लेट लगी लगाई रह गई, फिर बस इस तरीके से कि नहीं खाना खाना है, तो वो आधा खाया आधा छोड़ा, तो मूड बहुत ख़राब हुआ दोपहर में। तो उसके बाद वो तो नॉर्मल हो गया, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा गया, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू हिम, बहुत कनेक्टेड है उससे, उसको कुछ भी हो जाता है तो एटलीस्ट मैं और बेटा हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ और नहीं सूझा, तो जो मैंने रेसिपी वाला ब्लॉग शूट किया था उसको मैंने एडिट भी कर दिया। मैंने कहा चलिए कुछ तो काम करें, क्योंकि नहीं तो दोपहर में ना कोशिश करती हूँ कि आधा पौना घंटा रेस्ट हो जाए, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, फिर लगातार काम करते करते थोड़ा मतलब बॉडी भी डिमांड करती है कि मुझे थोड़ा आराम मिले, तो आज वो भी नहीं हुआ। शाम को सारा जो भी माइंड में फिर प्लान किया हुआ था वो लाइट ने दिमाग ख़राब कर दिया, आ रही है जा रही है। तो चलो जैसा भी था, मैंने रवा ढोकला की रेसिपी अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि उसको मैं बहुत ही क्लियरली आप तक पहुंचाऊं, लेकिन फिर भी कमिट नहीं करूंगी कि कब, लेकिन हाँ बहुत जल्द मैं एक अलग से उसका ना बेसन ढोकला और रवा ढोकला की अलग से मैं रेसिपी बना के उसका ब्लॉग में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस पता नहीं क्यों बहुत कोशिश कर रही हूँ कि
सारा कुछ दोबारा ट्रैक पे आ जाए, पर कुछ हालात और कुछ तबीयत है वो साथ नहीं दे रहे। पता नहीं, मुझे कभी इतनी पूरी सर्दियां ही निकल गई, अब तो उतनी ठंड भी नहीं है, लेकिन ना मेरे को इतनी ज़्यादा पैरों में इतनी ठंड लगती है कि मैं डबल सॉक्स भी पहन लेती हूँ लेकिन फिर भी सारा दिन पैर बर्फ हुए रहते हैं। तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स है जिसके साथ डील कर रही हूँ, एंड उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द ये भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो फिर बाकी का काम भी शुरू करेंगे। आप लोग भी कहोगे कि दोबारा मैंने रेसिपीज आपके साथ शेयर करनी शुरू कर दी। एज सच माइंड में कुछ था नहीं ऐसा, लेकिन आज सुबह सब्जी वाला आया, उसके पास कटहल था, तो मैंने कहा चलो आज कटहल की सब्जी बनाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कुकिंग वर्क्स एज एन थेरेपी फॉर मी, और कटहल की सब्जी है ना, इसको काटना, छीलना, फिर इसको कुक करना, तकरीबन 1-1.25 घंटे का ये काम है। जो लोग बनाते हैं उन्हें पता होगा, तो मैंने कहा थोड़ा सा ना मन लग जाएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों सारा दिन काम में ही रहती हूँ, लेकिन ना अंदर थोड़ा सा कई बार हो जाता है कि आप ना थोड़ा लोनली फील करते हो, थोड़ा सा मन अजीब सा हो जाता है, मेरा काफ़ी दिनों से ऐसे ही चल रहा है। तो इसलिए मैंने कटहल की सब्जी बनाई, और जब बनाने लगी तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर लेते हैं। तो उसका ब्लॉग तो ऑलमोस्ट मैंने एडिट किया हुआ है, तो उसका लिंक इसी ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। और बाकी था वो ढोकले वाला, वो था कि चलो आज शुक्रवार का दिन है, ऐसा हम सिख रिलीजन में तो कोई वहम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आज का दिन अच्छा है तो उसको भी आज यूज़ करना शुरू कर देते हैं, फिर तो रूटीन में यूज़ होता ही रहेगा। तो सोचा तो कुछ और था बनाने का, लेकिन थोड़ी सी दोपहर में वो हमारे टेडी बेयर ने मूड ख़राब कर दिया, फिर उसके बाद शाम को लाइट की दिक्कत हो गई, तो फिर मैंने कहा चलो कुछ और नहीं करते हैं तो इजी सा रवा ढोकला ही बना लेते हैं। तो आज का दिन ऐसे निकल गया। कोशिश कर रही हूँ कि बहुत जल्दी अपने आप को ज़्यादा बेटर कर लूँ, क्योंकि जो मैंने प्लान किया हुआ है कंटेंट वो ऐसा है कि वो कंटिन्यू में ही चलेगा तो आप लोगों को समझ आएगा। आई एम जस्ट प्लानिंग टू हैव अ सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप फॉर यू पीपल रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स। तो अगर उसमें ब्रेक आएगा तो फिर कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी, ना मैं आपको वो चीज़ अच्छी तरीके से कन्वे कर पाऊँगी, ना ही आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो बस इसीलिए मैंने आज जो भी मेरा रूटीन था वही आपके साथ शेयर किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा, और अगर आप ढोकले के शौकीन हैं, कुछ इस तरीके का लाइट स्टीम्ड फूड या कह लीजिए इस तरीके के स्नैक्स आप खाना पसंद करते हैं, तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो ट्राई कीजिएगा सॉरी, क्योंकि देखिए इसमें कुछ नहीं, सूजी भी सभी के घर पर होती है, दही भी होता है, और आप इसको किसी भी टाइम ब्रेकफास्ट में बना लीजिए, शाम को चाय के साथ बना लीजिए, इजीली प्रिपेयर हो जाता है, और इसमें कोई लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट्स तो है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, कोशिश करूँगी कि इस व्लॉग को मैं अभी एडिट कर आज की डेट में ही एडिट करके अपलोड कर दूँ, आप तक पहुँचा दूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे ब्लॉग को अगर आप पसंद करते हैं, मेरे इन सेंट्रल स्टोरीज के सफ़र पे अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ बहुत जल्द आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच।